नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज, एडवांस्ड होम्यो एंड फिजियो हेल्थ क्लिनिक के अपने इस चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत। आज मैं एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहा हूँ जिसका मैंने नाम रखा है बोन डिजीज सीरीज पार्ट वन। बोन डिजीज सीरीज पार्ट वन पार्ट टू ऐसे चलेगा, तो आज ए पार्ट वन। पार्ट वन में सम ऑस्टियो टर्म एवरी वन मस्ट नो, कुछ ऐसा टर्म हम आज आलोचना करेंगे जिनको हर किसी को जानना चाहिए, जिनको हर किसी को जानना जरूरी है। तो ऐसा ही कुछ टर्म है जैसा है जो हड्डियों का जो डिजीज होता है, जो बीमारी होता है, उसका कुछ डिजीज को लेकर आज मैं बताऊंगा। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो का मतलब है हड्डी और आर्थोस का मतलब है जोड़ यानी जॉइंट। तो पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो का मतलब है हड्डी और आर्थोस का मतलब है जोड़ और आइटिस का मतलब है सूजन, यानी यानी हड्डी का जो जोड़ होता है उसमें सूजन आ जाना उसको कहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जहां पर आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होता है जैसा कि नी जॉइंट में, हिप जॉइंट में या फिर स्पाइनल रीजन में यानी वर्टिब्रा में, तब हड्डियां अपने आप आपस में टकराने लगते हैं, तब सूजन हो जाता है, तब हड्डियों का जो डिस्ट्रक्टिव चेंजेस होता है उसको कहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और उसके बाद है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो का मतलब आपको समझ में आ गया कि बोन से, ऑस्टियो का मतलब है बोन यानी हड्डी और पोरोस का मतलब है ब्रिटल बोन, अंदर से खालीपन यानी कैल्शियम लॉस हो जाता है। 60 के ऊपर के महिला में ज्यादा पाए जाते हैं या फिर 70 से 75 साल के जो मेल है उनमें पाए जाते हैं। उसके बाद है ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियो का मतलब तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऑस्टियो का मतलब है हड्डी, पेनिया का मतलब है कम हो जाना, कैल्शियम कम हो जाना। ऑस्टियोपेनिया का मतलब है हड्डी में कैल्शियम का कमी हो जाना। तो ऑस्टियोपेनिया एक ऐसा स्टेज है जो लीड करके जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की ओर। तो ऑस्टियोपेनिया में पेशेंट को सावधानी बरतना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है ऑस्टियोफाइट्स, फाइट्स का मतलब होता है जो चोट जैसा निकलता है हड्डियों में, कैसे एक बताता हूँ। ऑस्टियो का मतलब है हड्डी, जब किसी जोड़ों पर यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस बन जाता है तो हड्डियां अपने आप टकराने लग जाता है, तो वहां पर एक बोनी प्रोजेक्शन आता है जैसा कि पंछी की चोंच होता है उस तरीके का, तो वहां पर ऑस्टियोफाइट डेवलप करता है। ये स्पाइन में भी हो सकता है, स्पाइन का यूनिट हम कहते हैं यानी जो मेरुदंड है उसका यूनिट कहते हैं वर्टिब्रा को, ऐसा ऐसे रहता है, बीच में एक डिस्क रहता है, डिस्क रहता है। तो वर्टिब्रा यानी जो हड्डियां है वर्टिब्रा, जो स्पाइन का जो हड्डियां है वहां पर जब डिस्क डीजेनरेशन होता है, जो आपस में जब टकराने लगता है तो ऐसे ऐसे चोंच बन जाता है टकराने से, यानी बोनी प्रोजेक्शन हो जाता है, बोनी प्रोजेक्शन हो जाता है ऐसे ऐसे। तो आमतौर पर तो ये कुछ कुछ भी दिक्कत नहीं पैदा करता है, लेकिन अगर पीछे में जो स्पाइनल जो नर्व आता है, जो स्पाइनल कॉर्ड आता है, वहां पर अगर थोड़ा सा भी उस नस को दबाता है तो फिर दिक्कतें पैदा होता है। तो ये गया ऑस्टियोफाइट्स यानी ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस, ये आता है ऑस्टियोमेलेसिया। उसके बाद ऑस्टियो का मतलब है हड्डी, पहले बता चुके हैं, और मेलेसिया के मतलब है कैल्शियम कम हो जाना, सॉफ्टनेस ऑफ द बोन। तो ये बच्चों में पाए जाते हैं जिसको रिकेट कहते हैं, जो बच्चों में पाए जाते हैं जिसको बॉल एक्स हो जाता है यानी दोनों दोनों जो पैर है ऐसा ही ऐसे डेविएशन हो जाता है, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी की वजह से तो सॉफ्ट हो जाता है और ऐसे बॉल एक्स बन जाता है। और बड़ों में जो पाया जाता है इसको इसको बड़ों में अगर पाया गया तो इसको कहते हैं कि ऑस्टियोमेलेसिया हुआ है, और बच्चों में पाया गया तो कहते हैं रिकेट है, जो कैल्शियम विटामिन डी की कमी से होता है। तो मेलेसिया का मतलब है कैल्शियम कम हो जाना और सॉफ्टनेस ऑफ बोन। और उसके बाद है ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियो का मतलब है हड्डी और माइलाइटिस का मतलब है एक इन्फेक्शन। तो हड्डी में जब इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। ये किसी भी इंजुरी से हो सकता है या फिर बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। उसके बाद है ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, ये भी नी जॉइंट में ज्यादा दिखा जाता है या फिर एल्बो में भी पाया जाता है। नी जॉइंट में जो ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस दिखा जाता है उसमें क्या मिलता है, तो जो सबकॉन्ड्रल बोन होता है जैसे कि
ये जो अपर पार्ट ऑफ टीबिया है, टीबिया के जो ऊपर के हिस्से है, तो यहाँ पर जहां पर बोन का एंड होता है तो वह कार्टिलेज भी रहता है। तो इस बोनी एंड पर और कार्टिलेज पर कभी कभी क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता है, तो वहां पर ऑस्टियोकोंड्राइटिस डेवलप करता है। तो उसको और एक भी नाम कहा जाता है, ऑस्टियोकोंड्राइटिस डिसिकेंस और ऑस्टियोकोंड्रेसिस डिसिकेंस भी कहा जाता है। और एक टर्म है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो है ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियो का मतलब है बोन, हड्डी, और सार्कोमा का मतलब है कैंसर, यानी हड्डी का कैंसर, उसको कहते हैं ऑस्टियोसार्कोमा। तो मैंने बता दिया जो एक जो 8 टर्म है जो बोन के जो डिजीज है उससे रिलेटेड है, जिसको हर किसी को पता रहना जरूरी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त को बहुत बहुत शेयर करना, अपने रिलेटिव्स को शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।